दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग मुझे इस तरह सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और फिर शामू आता है डायरेक्टर के पास और वही की उनके हाथ में होती है और कहते हैं, ये की मुझे मिली है। और शामू डायरेक्टर के टेबल के पास ही उस की को रख कर चले जाते हैं। डायरेक्टर उस की को देख कर थोड़ा सा तो हैरान होता है और डायरेक्टर उसी की को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और फिर बीन को दिखाते हैं जो बाहर निकल रही होती है और चाओलेंग उसे देखता है और उसे शुक्रिया अदा करता है। तो बीन उसको कोई खास रिस्पांस नहीं देती और वो चली जाती है। चाओलेंग अपने बेड पर आकर सोच रहा होता है और हैरान किन की बात ये होती है जो कि डायरेक्टर के पास होती है वही की चाओलेंग के हाथ में होती है। और चाओलेंग को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है कि मिस्ट्री गाय ने उसे ये की दी थी। और ये जो पपेट है, आखिरकार ये है किसका पपेट? क्या ये पपेट डायरेक्टर का है? क्योंकि डायरेक्टर उस की को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं और पपेट को दिखाते हैं जो चाओलेंग को वो की दे रहा होता है। और चाओलेंग उस की को देखकर कहता है, ये तो मैंने स्कूल वालों को दे दी थी, तुम आखिरकार हो कौन? और वो मिस्ट्री आदमी यानी पपेट, ये इतना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, और कहता है तुम इसे अपने पास रखो। तो चाओलेंग कहता है, मुझे इसे अपने पास नहीं रखना। पपेट वहां से जाते हुए कहता है, शायद तुम्हारा ये माइंड चेंज हो जाए। और फिर वो मिस्ट्री पपेट गायब हो जाता है। और फिर सीन बीन की तरफ आता है और बीन किसी का वेट कर रही होती है वहाँ पर। वहाँ पे वही सिया आता है और उससे कहता है, वो मास्टर की बॉडी है, क्या वो ठीक है? बीन कहती है, मैंने उसे बचा लिया और सब कुछ ठीक है। तो सिया उसे तंस करता है और कहता है, हाँ ठीक तो है बगैर तुम्हारे हेल्प के। और सिया ये भी कहता है, तुम दोनों ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे और तुम्हारे प्रोटेक्शन हाँ बहुत ही अच्छा था। और बीन ये सुनकर बहुत ही शॉक होती है और सिया ये तंस में कह रहा होता है। और बीन अपने मन में सोच रही होती है, ये बात इसको कैसे पता लगा? तो सिया उसके करीब आकर उसे कह रहा होता है, उसकी लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे जिंदा रहना होगा, क्या तुम ये समझ नहीं पा रही? वरना तुम खतरे में हो। बीन यस बोलकर वहां से चली जाती है। और फिर सभी बच्चों को दिखाते हैं जो टीचर शामू के सामने खड़े होते हैं और टीचर शामू कह रहे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास खत्म हो गई है तुम सब की, और ये एग्जाम कौन पास करने वाला है ये तुम सब के परफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, और तुम लोग एग्जाम की हर चीज को नोट कर लो। और टीचर शामू उनको ये कहने वाले होते हैं, अगर तुम लोगों को पास होना है तो अपने आप को अच्छे से रेडी रखना। तो देखते हैं कि तुम लोगों में से कौन आगे जाएगा। तो मैं आज लास्ट टाइम तुम सबको फीडबैक दूंगा कि कौन कितना काबिल है। तो सभी स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और टीचर शामू सभी लोगों को देख रहा होता है। चाओलेंग को दिखाते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोशिश करता है कि वो अपनी पावर सही तरीके से यूज कर सके और वो कामयाब भी होता है, पर उसकी पावर चलती नहीं। फिर टीचर शामू उसे ही देख रहे होते हैं। तो चाओलेंग अपनी स्पीड पावर को और तेज करता है। तो चाओलेंग अपनी स्पीड पावर फिर से यूज करता है और वो 5 मिनट के लिए तो काम कर ही जाती है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। पर अचानक से चाओलेंग बेहोश हो जाता है और वह चिकन ये देखता है कि ये बेहोश हो गया है, तो वो उसके पास आता है और या भी उसके पास जाने लगती है, पर सियान उसे रोक देता है तो या उसके पास नहीं जा पाती। और फिर चाओलेंग उठता है और वाइट चिकन को साइड पे करते हुए टीचर शामू को कहता है, क्या मैं फिर से एक बार ट्राई करूं? तो टीचर शामू कहता है, नहीं कुछ टाइम के लिए तुम रेस्ट करो फिर ट्राई करना। तुम सब लोग क्या देख रहे हो, फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करने लगते हैं और चाओलेंग आराम करने के लिए दरख्त के नीचे बैठ जाता है और बीन उसी को देख रही होती है। और फिर प्रैक्टिस का टाइम खत्म होता है। तो टीचर शामू सभी बच्चों को बुलाते हैं
और चाओ लैंग को भी अपने पास बुलाते हैं। चैन उनके पास जाता है और टीचर शामू सभी बच्चों से कह रहे होते हैं कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तुम सभी को पास किया जाता है। और टीचर शामू चाओ लैंग को अकेले में कह देते हैं कि तुम्हें अपनी पावर यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने ये गलती की तो तुम अपने आप को ही खत्म कर दोगे, तुम इस साल एग्जाम मत देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगले साल और डायरेक्टर भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना।